बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। सबसे पहले हमने आलू लिए हैं, उन पर से छिलके उतार लिए और अच्छी तरीके से उसको वॉश कर लिया। अब उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। हमें जो है चॉप्ड ऑनियन चाहिए, हरा धनिया चाहिए। इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इसको चॉप करना है। आलू जो है हमारे वो बॉयल हो चुके हैं, मतलब इसी तरह वाल मैंने अब आलू निकाल लिए। ये बहुत गर्म है, मैंने कोशिश की थी इन्हें टच करने की लेकिन नहीं उठा सकी। ये अब आलू जो है उनको बिल्कुल क्रश कर दिए। ये देख लें आप, इसमें बिल्कुल कोई गुठली वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आलू पीस दिए। अब हरा धनिया और प्याज जो हमने चॉप किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। अब हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। ज़ीरा है, 2.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। अजवाइन है, नमक, हसबे जायका या नमक आप यूज कर सकते हो, और ये हल्दी है, ये पिसा हुआ जो हमारे पास धनिया होता है सूखा धनिया वो है, कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी जितना आप ज़्यादा अगर स्पाइसी पसंद है आप ज़्यादा ऐड कर दो। अब इनको सबको इकट्ठा जो है मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। ये मिक्स हो गया है। अब ये मैंने बेसन लिए, तकरीबन हाफ कप बेसन है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है। कोशिश करें विस्क यूज़ करें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, क्योंकि लम्स आपके अच्छे खासे खाने को ख़राब कर देता है। इसमें एग्स ऐड कर दें, उनको भी विस्क की मदद के साथ मिक्स कर दें। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए। ये पोटैटो बॉल्स जो हैं वो हमने बना दिए। इसको डिप कर दें, जो हमने घोल सा तैयार किया हुआ है, ये जो बैटर तैयार किया है बेसन और अंडे का मिला के, उसमें इसको अच्छे तरीके से डिप कर देना है। ऑयल जो कि मैंने गर्म किया हुआ था उसमें इनको सबको जो है डाल दें। ये देख लें इनका कलर बड़े मज़ेदार सा गोल्डन कलर आ जाए, तो आप साथ साथ इसको पलटते भी रहें। ताकि इसकी सारी साइड्स पक जाएं, ये बॉल्स की तरह, इसीलिए इनको बॉल्स का नाम दिया गया, गोल होते हैं ये, इनकी सारी साइड्स अच्छे से पक जाएं। ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता, 3 से 4 मिनट में ही बस जो ऊपर वो बेसन वगैरह है उसको सिर्फ पकाना पड़ता है। अब इसमें से जो जो पक रहे हैं उनको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ। पक गया, इसको निकाल लिया टिशू पे, बाकी भी इसमें से जो जो पकते जाएंगे उनको निकालते जाएंगे हम। ये पक गए हैं सारे पोटैटो बॉल्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। क्या आप देख लें, बिल्कुल गोल शेप आई है इनकी। और अब इसको सर्व करने के लिए रख दिया है ताकि सब यहाँ बैठ के इसके हम खाएंगे। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, पेप्सी के साथ भी, ये कोई भी कोल्ड ड्रिंक के साथ, सॉरी, ये चल सकता है, नॉट ओनली पेप्सी। ओके, तो अब हम आते हैं पेशावरी कहवे की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत आसान है। पानी बॉयल करने के लिए रख लिया। पानी जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे इलायची। इलायची मैंने ऐड की तो वो, सॉरी, इलायची को हमने
पिसा हुआ पाउडर की शक्ल में भी आप ऐड कर सकते हो, और थोड़ी सी इस तरह भी हो तो वहाँ ऐड कर सकते हो। चीनी जो है मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों को ज़्यादा मीठा कावा पसंद है, मुझे पर्सनली फीका पसंद है, उनके लिए मैंने चीनी ऐड की है। आप चाहें तो आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। ये अब जो कहवे की स्पेशल वो पत्ती होती है आप उसको डाल दें, अब उसको आप छान लें। ये आपका कहवा, पिशावरी कहवा जो है तैयार हो गया, अब उसको सर्व करना है। यहाँ मैं इसको डाल रही हूँ। ये हमारी जो है पिशावरी, इसको प्याली कहते हैं। इसमें शौक से लोग पीते हैं लेकिन ये बहुत छोटी होती है और ये कप भी बहुत छोटे छोटे हैं। मैं अपना मग साथ रख रही हूँ, मुझे मग में कहवा पीना बहुत ज़्यादा, कहवा मेरा पसंद, मुझे पसंद ही वो मग में होता है कि उसमें ज़्यादा आता है। और ये रात का टाइम है, कहवा चल रहा है, साथ लूडो चल रही है हमारे घर में, और हम इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रूटीन होती है, रात को बैठ के गपशप लगती है, पूरी फैमिली बैठती है। तो थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।